हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अहमद दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एम्फी सेंटर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वह टॉपिक है विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को हम लोग समझेंगे। यह इस चैप्टर का फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में सब कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में यानी विवर्तन के बारे में। विवर्तन क्या होता है? लेकिन विवर्तन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट जो हमने अपने घरों पर देखे हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया तो ये आपका भी विवर्तन टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये सभी एक्सपेरिमेंट आपने अपने घरों पर देखे होंगे। चलिए, एक्सपेरिमेंट क्या है सपोज करिए, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है यानी यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। इस प्रकाश की किरण की मार्ग में हमने एक छोटा सा ऐसे अवरोधक रख दिया। अब बताइए, इस छोटे से अवरोधक का यहाँ पे हमने क्या लगाया है? पर्दा लगाया है, पर्दा कुछ दूर रखा हुआ है। तो इसका जो यहाँ पे आकार बनेगा वह कैसा होगा? सपोज करिएगा, अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। यहाँ से प्रकाश ऐसे चारों दिशाओं में फैल रही है। इस प्रकार प्रकाश के सामने हमने इतना बड़ा वस्तु ला करके रख दिया। इस प्रकाश के सामने इतना बड़ा वस्तु हमने ला कर रख दिया और इधर क्या है? पर्दा रखा हुआ है। तो बताइए, यहाँ से प्रकाश ऐसे सभी दिशाओं में निकल रही है, ठिचुक 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 करके, ठीक है ना? अब यहाँ वस्तु रखा है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यानी ये प्रतिबिंब, यहाँ पे पर्दा रखा है तो छाया उत्पन्न करेगा, अंधकार उत्पन्न करेगा। अरे, यहाँ से प्रकाश निकलते नहीं, बीच में बाधा उत्पन्न हो गया ना, ठीक है? तो क्या ये जो बाधा उत्पन्न होगा, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी यहाँ प्रतिबिंब बनेगी? जितनी बड़ी यह वस्तु है उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनती है या बड़ी प्रतिबिंब बनती है? बताइए, इस वस्तु का जो छाया बनता है इस पर्दे पर बड़ा बनता है कि छोटा बनता है? बड़ा बनता है। यानी इतनी बड़ी वस्तु है लेकिन जो इसका छाया बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो इतनी बड़ी। अब कुछ भी आकार हो सकता है, जरूरी नहीं है कितना ही बड़े बने, ठीक है? आकार कुछ भी हो सकता है। यानी इस वस्तु का ये जो अवरोधक है, इस अवरोधक ने यहाँ पे इतना बड़ा छाया उत्पन्न किया। बाकी ये सब चीज़ें क्या है? प्रकाश यहाँ पे पहुँची है, ठीक है? ये एकदम ब्राइट है। ये सब चीज़ें क्या है? ब्राइट है, ठीक है ना? ये सब चीज़ें क्या है? ब्राइट है। बात समझ पाए कि नहीं? ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है? प्रकाश निकल रही, घर पे कर सकते हैं, छोटी सी वस्तु प्रकाश के सामने रख दीजिए, ठीक है? तो वहां पे दीवारों पे देखेंगे इस छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा छाया बनता है, बड़े अंधकार दिखाई देते हैं, ठीक है ना? समझ पाए? चलिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सपोज करते हैं यहां से लाइट निकल रही है, इस लाइट के सामने हमने एक स्लिट ला करके रख दिया। इस लाइट के सामने हमने क्या किया? एक स्लिट ला करके रख दिया। स्लिट मतलब एक छोटा सा छिद्र ला करके रख दिया, एक बड़ा सा गुटका है, ठीक है? दफ्ती हो गया, कुछ भी हो सकता है, उसमें बहुत छोटा सा हमने छिद्र कर दिया है, ठीक है ना? अब छिद्र कर दिया है तो यहां पे हमने क्या रखा है? पर्दा रखा है। तो बताइए, इस छिद्र से जो प्रतिबिंब प्रकाश की किरणें निकलेंगी, यहां पर जो प्रतिबिंब बनाएंगी वो इतना ही बड़ा होगा कि इससे बड़ा होगा? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दीवारों पे, घरों पे आपने देखा होगा छोटे से छिद्र होते हैं। जब उस छोटे से छिद्र से प्रकाश की किरणें आती हैं तो दीवारों पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उस छोटे से छिद्र के बराबर बनता है या फिर उससे बड़ा बनता है? सपोज करिए दीवार है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक एक्सपेरिमेंट है, आपने घरों पर देखे होंगे, ठीक है ना? दीवारों में बहुत छोटा सा छिद्र है, उस छोटे से छिद्र से सूर्य की किरणें आ रही हैं तो दीवारों पर उसका आकार बनता है, प्रतिबिंब बनता है, दिखाई देता होगा। तो क्या जितना बड़ा छिद्र है उतना ही बड़ा वहां पे ब्राइट बनता है, चमकीला बनता है, या उससे बड़ा बनता है? तो आपने देखा होगा जो प्रकाश किरणें आती होंगी, जो दीवारों पर प्रतिबिंब बनाती होंगी, ब्राइट स्पॉट बनाते होंगे, वो इससे, इसके आकार से बड़े होते होंगे। यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब इतना बड़ा था वो यहाँ पे इतना बड़ा ब्राइट स्पॉट बनाएगा, इससे बड़ा बनाएगा। यानी ये सब क्या है? प्रकाश यहाँ पे पहुंची,
प्रकाश यहाँ पे क्या हुई, पहुंची। बाकी ये सब क्या दिखेगा आपको, अंधकार, क्योंकि प्रकाश तो केवल इधर से आ रही है ना, बाकी चीजें क्या है, अंधकार में है, ठीक है ना। अंधकार यहाँ पे क्या रहेगा, अंधकार यहाँ पे क्या रहेगा, अंधकार रहेगा, ठीक है ना, अंधकार रहेगा। तो ये हो क्यों रहा है ऐसा, इतनी बड़ी वस्तु अगर प्रकाश स्ट्रेट लाइन में चलती, अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलती तो अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलती तो इतनी बड़ी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता वह इतनी ही बड़ी बनता, लेकिन इतनी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, यानी कि ये चीज़ें कुछ इस प्रकार से बन रही हैं, ठीक है ना। वस्तु यानी प्रकाश कैसे जा रहा है, ऐसे, और चलना कैसे चाहिए प्रकाश को, सीधी रेखा में, हमने तो यही पढ़ा है प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश देख रहे ऐसे चल रही तभी तो इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे जा रहा है तभी तो प्रतिबिंब बन रहा है। उसी प्रकार से ये छोटी सी वस्तु थी, इसका इतना बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो प्रकाश का प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब बना वह इतना बड़ा बना, इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, यानी ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। और एक चीज़ और आपने देखा होगा, एक और चीज आपने देखा होगा कि अगर अगर सब यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है ना, सोर्स ऑफ लाइट है, उसके बाद थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट समझिएगा। और यहाँ पे ये जो आकार हमने बहुत छोटा सा लिया, बहुत बड़ा ले ले, तब जो पर्दे पर आकार बनता है वह लगभग इतना ही बड़ा बनता है। अब जो प्रतिबिंब बनेगा पर्दे पर वह लगभग इतना ही बड़ा बनेगा। जैसे घरों में आपने देखा होगा खिड़की लगे होते हैं, तो खिड़की से जब प्रकाश आता है तो दीवारों पर जो प्रतिबिंब बनता है वह लगभग खिड़की के बराबर ही बनता है। बनता है कि नहीं बनता है, सूर्य के प्रकाश की किरणें आ रही है खिड़की से, खिड़की से आ रही है, दीवारों पर जो प्रतिबिंब बना वह लगभग खिड़की के बराबर ही बना। यानी इस कंडीशन में जब ये जो अवरोधक है, अवरोधक जो है या फिर द्वारक जो है, इसको अवरोधक बोलिए या फिर द्वारक बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, अवरोधक या तो द्वारक है वह बड़ी है तब प्रतिबिंब का आकार उतना ही बड़ा बन रहा है। लेकिन अगर अवरोधक या द्वारक, अगर यह द्वारक क्या है, छोटा है, तो प्रतिबिंब इतना बड़ा बना। इस बात को सबसे पहले इटली के वैज्ञानिक थे, इटली के वैज्ञानिक ग्रिमाल्डी, ठीक है ना, इटली के वैज्ञानिक ग्रिमाल्डी ने पकड़ा। किसने, ग्रिमाल्डी। इस बात को सबसे पहले किसने देखा, ग्रिमाल्डी ने देखा। देखिए देख तो सभी लोग रहे थे उस समय, लेकिन इस बात को पकड़ नहीं पा रहे थे, कॉन्सेप्ट नहीं दे पा रहे थे। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए इटली के, ग्रिमाल्डी साहब। ग्रिमाल्डी साहब ने बताया कि जब ये जो द्वारक हो, ये जो द्वारक हो, ठीक है ना, ये छोटा हो, द्वारक क्या हो, छोटा हो, द्वारक कितना हो, छोटा हो। अब छोटा हो तो कितना बड़ा हो, लगभग यह प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के बराबर हो जाए, यह लगभग कितने बराबर हो जाए, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के बराबर हो जाए। अगर ऐसा है, ये जो द्वारक है, ये जो द्वारक है, ये प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के अगर बराबर हो जाता है, तब जो प्रकाश होती है वह इनके किनारों से, किनारों से, यहाँ से, ठीक है ना, ये जो किनारे हैं इस किनारों से मुड़ जाती है, ठीक है, मुड़ करके ऐसे चली जाती है, ऐसे चली जाती है, किनारों से मुड़ करके ऐसे चली जाएंगी, तो जाकर के हमें जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या बनता है, बड़ा बनता है। इस बात को सबसे पहले इटली के वैज्ञानिक ग्रिमाल्डी ने बताया, ठीक है। तो ये जो घटना है, अवरोधक या द्वारक के किनारों से प्रकाश के मुड़ जाने की जो घटना है, मुड़ करके बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है ना, तो ये जो प्रकाश मुड़ रहा है, इसी घटना का नाम दिया जाता है विवर्तन या फिर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है, समझ पाए, इस बात को, डिफ्रैक्शन के बारे में, विवर्तन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, इटली के वैज्ञानिक ग्रिमाल्डी ने। ग्रिमाल्डी साहब ने बताया कि अगर ये जो द्वारक है, इस द्वारक का आकार छोटा है, इस द्वारक का आकार क्या है, छोटा है, वो कितना छोटा होना चाहिए, लगभग प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के बराबर। अगर ऐसा है तो जो प्रकाश होता है वह इस द्वारक के, इस अवरोधक के किनारों से मुड़ जाता है, मुड़ जाने की जो घटना होती है उसको नाम दिया जाता है विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन। अब आखिर ये ऐसा होता क्यों है, ये ऐसा होता क्यों है, प्रकाश ऐसे मुड़ क्यों जा रही है, इस बात को चलिए हम लोग देखते हैं। तो विवर्तन समझ में आया,
विवर्तन क्या होता है समझ में आया? चलिए आई थिंक विवर्तन आपको आ गया होगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब विवर्तन होता क्यों है वो चलिए देखते हैं, यानी प्रकाश मूर्ति क्यों है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो विवर्तन की व्याख्या अब हम लोग देखेंगे। अच्छा टॉपिक है, सब चीज़ें आपके क्लियर होंगी, शायद से विवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे विवर्तन की व्याख्या, विवर्तन की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन, विवर्तन की व्याख्या। अच्छा सा वीडियो है और नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन, चलिए प्रकाश का मुड़ना क्यों होता है यानी विवर्तन की घटना क्यों होती है वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वह लैम्डा है। हमने क्या माना, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा है। और अवरोधक जो है, अवरोधक का जो आकार है या जो अवरोधक है, या हम कहिए द्वारक, अवरोधक को द्वारक भी कह सकते हैं, ठीक है, वह क्या है, डी है, ठीक है। हमने क्या माना, जो प्रकाश हम लोग यूज कर रहे हैं उसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, और जो अवरोधक होगा वह क्या है, डी है। पहले कंडीशन की बात करते हैं, पहले कंडीशन में ग्रिवाल्डी साहब ने कहा कि अगर प्रकाश तभी मुड़ेगा जब तरंग दैर्ध्य लगभग द्वारक के बराबर होगा, नहीं तो प्रकाश नहीं मुड़ता। जैसे बड़ी सी खिड़की है, उससे आने वाली प्रकाश की घड़ी जो दीवालों पर प्रतिबिंब बनता है वो लगभग खिड़की के बराबर ही बनता है, यानी वहां विवर्तन की घटना नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है वो समझते हैं। देखिए मान लेते हैं जो लाइट सोर्स है वो अनंत से आ रही है, जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या है, अनंत से आ रही हैं। और हम लोग जानते हैं हाइगेंस थ्योरी में, हाइगेंस के सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अनंत से तरंगे चलती हैं, जो तरंगाग्र चलते हैं वो समतल होते हैं। पूरा बेसिक चीजें हमने हाइगेंस थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। अनंत से जो भी तरंगे निकलती हैं, तरंगाग्र चलते हैं, वेवफ्रंट चलते हैं, वो कैसे होते हैं, समतल होते हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, अवरोधक है, ठीक है ना, ये क्या है, अवरोधक है। पहली कंडीशन सबसे पहले समझिए, पहले कंडीशन में हमने क्या लगाया, पहले कंडीशन में हमने लगाया कि जो लैम्डा है, लैम्डा है वह बहुत ज़्यादा छोटा है डी से, यानी ये जो द्वारक है, ये जो द्वारक है वह प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो देखिए अनंत से क्या हो रही है, अनंत से क्या हो रही है, ऐसे तरंगाग्र आ रहे हैं, और अनंत से जो भी तरंगाग्र आते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे समतल होते हैं। अनंत से अरे पॉइंट सोर्स है तो उससे क्या होते हैं, गोली तरंगाग्र निकलते हैं। अनंत स्रोत है तो जो निकलता है वो क्या होता है, समतल तरंगाग्र होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है, समतल तरंगाग्र, ठीक है, तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं, वो सब चीज़ें हमने देखा है। जब ये आकार बहुत बड़ा होता है, जब ये आकार बहुत बड़ा होता है तो ये जो तरंगाग्र हैं ये बिना विचलित हुए ऐसे सीधे ही निकल जाते हैं। जो ये तरंगाग्र हैं बिना विचलित हुए क्या हुए, सीधे निकल गए। यहाँ पे क्या घटना हुई कि यहाँ पे जो द्वारक था ये बहुत बड़ा था, इसके तरंग दैर्ध्य से, इस प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से बहुत बड़ा था, तो जो तरंगाग्र थे वे बिना विचलित हुए इनके पास स्पेस मिला, जितना जाना चाहते थे उतना जगह मिला, तो क्यों विचलित हो, सीधे ऐसे निकल गए। यानी तरंगाग्र बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, तरंगाग्र बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, विचलित हुए सीधे निकल जाएंगे, ठीक है ना, सीधे निकल गए। अब जब सीधे निकल गए कोई घटना ही नहीं हुई, यानी वस्तु का इतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना। लेकिन अब दूसरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहीं से विवर्तन आपको पकड़ में आएगा। यदि लैम्डा लगभग लगभग बराबर हो जाए डी के, यानी जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है वह द्वारक या अवरोधक के लगभग बराबर हो जाए, यानी कि कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा क्या है, ये अवरोधक है, इस अवरोधक का छोटा सा द्वारक है,
ठीक है ना, ये छोटा सा द्वारक है। और जो भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो अनंत से आ रही हैं, और अनंत से कैसी तरंगे तरंगाग्र चलता है, समतल तरंगाग्र चलता है, यानी कि यहाँ पे जो भी तरंगाग्र चलेंगे वो कुछ इस प्रकार से चलेंगे। ये कैसे तरंगाग्र हैं, समतल तरंगाग्र हैं, ठीक है ना, समतल तरंगाग्र, समझिएगा बेसिक चीज है एकदम, समतल तरंगाग्र आ रहे थे। अब देखिए ये क्या होगा, इस सोर्स से, इस अवरोधक से क्या होगा, टकराएगा, ठीक है, ये कोई स्लिट है, ठीक है, इस अवरोधक का ये जो द्वारक है बहुत छोटा है, टकराया, हाँ टकराया। अब देखिए ये बहुत छोटा है, ध्यान दीजिएगा बहुत छोटा है, अब जब यहां से टकराएगा ऐसे ऐसे टकराएगा, ठीक है ना, तो मैक्सिमम प्रकाश की किरणें, मैक्सिमम प्रकाश की किरणें जो होंगी वो परावर्तित हो जाएंगी। बताइए यहां से प्रकाश आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, यहां से प्रकाश आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, यहां से प्रकाश आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, ये सब किरणें क्या होंगी, परावर्तित हो जाएंगी, यानी जो प्रकाश निकलेगा वो यहां से निकल सकता है, केवल एक छोटे से स्थान से प्रकाश क्या हो सकता है, निकल सकता है, बाकी सभी प्रकाश क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे, परावर्तित हो जाएंगे। अब यहां पर स्थान क्या है, बहुत छोटा है, यह स्थान बहुत छोटा है, यानी इस बहुत छोटे से स्थान से प्रकाश निकल रहा है, यानी जब प्रकाश इस बहुत छोटे से स्थान से निकलेगा, यानी ये कैसा कार्य करेगा, पॉइंट स्रोत का कार्य करेगा, बिंदु स्रोत का कार्य करेगा, यहां से जो भी प्रकाश की किरणें निकल रही बहुत छोटे से स्थान से, यानी पॉइंट सोर्स यहां बन गया, बिंदु स्रोत बन गया, यानी इस बहुत छोटे से स्थान से प्रकाश निकल रही है। अब इस बिंदु स्रोत से जो भी किरणें निकलती है, जो भी तरंगाग्र निकलते हैं, पॉइंट सोर्स से जो भी तरंगाग्र निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, गोलीय निकलते हैं। बताइए अब यहां से हमें कैसा तरंगाग्र मिला, गोलीय तरंगाग्र मिला, बताइए कैसा तरंगाग्र मिला, गोलीय तरंगाग्र मिला, क्यों मिला, समझ पाए, ठीक है। अब इस कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में तरंगाग्र बिना विचलित हुए निकल गए, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा था, बिंदु स्रोत का कार्य किया, बिंदु स्रोत के कारण कैसे तरंगाग्र में मिला, गोलीय तरंगाग्र मिला। अब देखिए जो भी किरणें होंगी, जो भी किरणें होंगी बताइए, वो ऐसे निकल जाएंगी कुछ किरणें, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अब देखिए एक पॉइंट हमने वहां हाइजेंस थ्योरी में पढ़ा था, जो तरंग की संचरण दिशा होती है, तरंग के चलने की दिशा होती है, तरंग संचरण की दिशा वह क्या होती है, तरंगाग्र के लंबवत होती है, तरंगाग्र के लंबवत होती है, यानी कि जो अब तरंगे यहां से निकलेंगी वह इस पे परपेंडिकुलर होकर के निकलेंगी, लंबवत होती है, इस बात को समझिएगा, तरंग संचरण की दिशा तरंगाग्र के क्या होती है, लंबवत होती है, यानी यहां से जो भी प्रकाश की किरणें निकलेंगी यह परपेंडिकुलर निकलेंगी, ये कैसा है, गोला है, और गोले पर परपेंडिकुलर कैसे खींचा सकता है, इसके केंद्र से जितने भी किरणें होकर के जाएंगी वे सभी क्या होंगे, 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, ये सभी कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, यानी यहां से जो किरणें निकल रही हैं वो तो लंबवत होंगी ना, कैसी होनी चाहिए, देखिए यहां से जो भी तरंगे जाएंगी वो कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, तो देखिए केंद्र से चाहे जो भी किरणें जाएंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर, ये पॉइंट सोर्स, यहां से जितने भी किरणें जाएंगी सब परपेंडिकुलर जा सकती है, परपेंडिकुलर के अलावा नहीं जा सकती, तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जो अब तरंगे चलेंगी, अब जो प्रकाश चलेगा वो कुछ ऐसे चलने लगा, फैल गया, क्यों फैल पाया समझ में आई नहीं, देखिए तरंग संचरण की दिशा क्या होती है, तरंगाग्र के अभिलंबवत होती है, अब केवल ऐसे ही नहीं चल सकता तरंग, तरंग ऐसे भी चलता है क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जहां मिलेगा वहां तरंगे चल पाएंगी, यानी अब जो प्रकाश है वह इतने बड़े भाग में पहुंच गया, प्रकाश इतने बड़े भाग में पहुंचा और यहां पे बना आपका ब्राइट, यहां पे बना आपका ब्राइट, इतना बड़ा सा अवरोधक था, ब्राइट इतना बड़ा बनाया, तो क्यों बनाया, कैसे बनाया, समझ पाए, यहां पे क्यों नहीं बना, यहां पे क्यों बना, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो ये है विवर्तन की व्याख्या, यानी कि विवर्तन की घटना क्यों हो रही है, क्यों ऐसा प्रकाश किनारों से मुड़ रहा है, तो मुड़ करके क्यों बना रहा है, ये चीजें है, ठीक है ना, नोट करिए, इतनी चीजें नोट कर लीजिए, उसके आगे चलते हैं। अब विवर्तन हुआ, विवर्तन हुआ यानी प्रकाश मुड़ा, तो विवर्तन जब हुआ तो हमने कुछ बेसिक चीजों को देखा, क्या देखा वो देख लेते हैं।
विवर्तन की घटना में हमने क्या क्या मिला हम वो देखते हैं, विवर्तन की घटना में हमें क्या क्या मिला वो देखते हैं। तो विवर्तन की घटना में, विवर्तन की घटना में, विवर्तन की घटना में हमने क्या देखा। देखिए अब इसी फिगर को हम लोग कुछ इस प्रकार से, ये विवर्तन की घटना आप समझ पाए, विवर्तन की घटना आप समझ पाए कैसे हुआ, अब इसी को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। विवर्तन हुआ यानी कि यहाँ पे हमारा एक छोटा सा स्लिट था, इस छोटे से स्लिट के कारण हमारा क्या हुआ, विवर्तन हुआ। यहाँ पे बना क्या, पर्दा रखा हुआ है, ठीक है। अब जब विवर्तन हुआ तो पहला चीज हमने देखा, इसके ठीक सामने अधिक चौड़ा, लगभग इतना बड़ा, इतना ही बड़ा बन रहा था ना, इतना बड़ा हमें एकदम ब्राइट स्पॉट मिला। एकदम क्या मिला, ब्राइट स्पॉट मतलब बहुत ज्यादा चमकीला केंद्र पर, इसके केंद्र पर। ये कोई स्लिट है जहां से विवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या मिला हमें, एकदम ब्राइट स्पॉट मिला इस भाग पर, हमें क्या मिला, ब्राइट स्पॉट यानी यहां एकदम चमकीला मिल रहा है, ठीक है। तो केंद्र पर हमें क्या मिला, केंद्र पर चमकीला, एकदम ब्राइट स्पॉट, ठीक है, चमकीला। कैसा चमकीला, बहुत ज्यादा चमकीला, केंद्र पर एकदम चमकीला। उसके बाद एकांतर क्रम में, जैसे इसके जस्ट ऊपर हमें इतनी भाग में क्या मिला, डार्क मिला, ठीक है। फिर नीचे भी क्या मिला, डार्क मिला, ये सब विवर्तन की घटना में हमने देखा। फिर ऊपर क्या मिला, इतना में ब्राइट मिला, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर डार्क मिला, ये क्या था, इतना ये ब्राइट, ठीक है ना, इतना क्या था, डार्क था। जैसे जैसे ब्राइट, ये जो सेंट्रल ब्राइट मिला, इस सेंट्रल ब्राइट के नीचे और ऊपर एकांतर क्रम में हमें डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट मिलते चले गए। ये हमने देखा विवर्तन की घटना में। और एक चीज हमने देखा कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं, जो तीव्रता है चमकने की, जो प्रवृत्ति है वो कम होती गई, ठीक है ना। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं या फिर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, यहाँ सबसे ज्यादा, यहाँ थोड़ा कम, ठीक है, यहाँ थोड़ा कम, जैसे जैसे ऊपर जाते चले जा रहे हैं, जो ये चमकने की प्रवृत्ति है, जो तीव्रता है, वो एकदम कम होती गई। और हमने क्या देखा कि ये जो चौड़ाई है, ये जो ब्राइट स्पॉट हमें मिला सेंटर पे, इसकी चौड़ाई दुगनी है इन सब की चौड़ाई से। अगर ये एक है तो ये दो है, अगर ये एक है तो ये क्या है, दो है। यानी जो सेंट्रल पे चौड़ाई मिली हमें ब्राइट स्पॉट की, वह इसके दुगनी मिली। जो फ्रिंजेस यहाँ पे बनी है वह इसके क्या है, दुगनी है, ठीक है। ये वाली क्या है, दुगनी है, ये वाली क्या है, कम चौड़ी है। तो ये सब हम लोगों ने विवर्तन की घटना में देखा है, ठीक है। तो विवर्तन की घटना में क्या क्या होता है, केंद्र पर एकदम चमकीला ब्राइट स्पॉट बनता है, क्यों बनता है भी आगे देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऊपर और नीचे एकांतर क्रम में हमें डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट स्पॉट मिलते हैं, ठीक है। ये जो सेंट्रल वाला होता है ये सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जो चमकने की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सब विवर्तन की घटना में हमें क्या मिला। अब हम बात करते हैं कि सिंगल स्लिट से जो विवर्तन होता है उसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, एकल झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन की घटना। अब आपको पढ़ना है एकल पतली झिल्ली से प्रकाश का विवर्तन, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय सिंगल नैरो स्लिट। एक पतली झिल्ली है, उस पतली झिल्ली से प्रकाश का विवर्तन हो रहा है, तो पर्दे पर हमें क्या क्या मिलेगा उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, चीजों को समझते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे एक सोर्स है, जो सोर्स हमने लिया है वो माना कैसा है, पॉइंट सोर्स है, बिंदु स्रोत है, ठीक है ना। कैसा सोर्स, बिंदु स्रोत है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, एक सिंगल स्लिट है, ठीक है, और नैरो है, पतला है। यहाँ पे हमने बनाया है थोड़ा बड़ा ताकि आपको अच्छे से समझा सके, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या रखा, पर्दा रखा। यहां पे क्या रखा, पर्दा रखा। ये क्या है, सिंगल पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से जो तरंगाग्र निकलेंगे वो कैसे होंगे, गोली होंगे। कहां से, हाइजेंस प्रिंसिपल से। हाइजेंस प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि अगर सोर्स पॉइंट हो
तो वहां से जो तरंगाग्र निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, गोली निकलते हैं, यानी कि ये जो तरंगाग्र हैं वो कैसे होने चाहिए, गोली होने चाहिए। हाइजेंस थ्योरी में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इस तरंगाग्र पर जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी बिंदु होंगे, वे सभी बिंदु एक नए स्रोत का कार्य करेंगे, यानी कि यहां से अब नया वेव फ्रंट, नया तरंगाग्र चलेगा, जिनको हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये हमने हाइजेंस प्रिंसिपल में पढ़ा है। अगर हाइजेंस प्रिंसिपल आपको दिक्कत है तो आप हमारा वो लेक्चर देख सकते हैं, चीजें एकदम आसान क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे हाइजेंस प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि इस वेव फ्रंट पर जितने भी बिंदु हैं इन सभी बिंदुओं से वेव फ्रंट चलेंगी, और इन सभी वेव फ्रंट ने सभी तरंगों का क्या होगा, व्यतिकरण होगा। इसके पहले YDSC में केवल दो तरंगे चलती थी, लेकिन यहां पे विवर्तन में इस बिंदु पर, इस बिंदु से, इस बिंदु से, इस बिंदु से जितने भी बिंदु होंगे सभी से तरंगे चलेंगी, और सभी तरंगों का आपस में क्या होगा, व्यतिकरण होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे कुछ ही पॉइंट है 4, 6, 10, ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत 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 पॉइंट है, अनंत पॉइंट है। यहाँ पे क्या है, अनंत पॉइंट इनके बीच में रखे हुए हैं, तो इसी को थोड़ा सा हम लोग लेंस लगा करके ऐसे जूम करके इधर बनाते हैं। ठीक है ना, यही फिगर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। जूम करके यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जूम करके हम लोगों ने बनाया। ठीक है, जूम करके इसको ऐसे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत बहुत, देखिए इसके बीच में कुछ ही पॉइंट हम बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सोर्सेस होते हैं, और इन सभी सोर्सों से क्या होते हैं, नए नए वेव फ्रंट निकलते हैं। ये यहाँ पे क्या रखा हुआ है, पर्दा रखा हुआ है, स्क्रीन रखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखिए होगा क्या, हम यहाँ की बात करते हैं, ये जो इसके सामने वाला बिंदु है यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा सा इसके बीच में बात करते हैं, सपोज करते हैं यहां पे। ठीक है, इस बिंदु पर ये एकदम बीचों बीच है, ध्यान दीजिएगा, ये एकदम बीचों बीच लग नहीं रहा है लेकिन है एकदम बीचों बीच। यहां पे कोई सेंटर में पॉइंट है, इस पर्दे के बीच में एक पॉइंट है, वो इसके ठीक सामने बीचों बीच। ठीक है ना, ये देखिए इसको बीचों बीच ऐसे कह देते हैं, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि दिक्कत है, ये एकदम इधर वाला भाग आधा, इधर वाला भाग आधा है। ठीक है, इस बिंदु P पर हमें क्या मिलेगा वो समझिएगा। अभी अभी हमने क्या देखा, जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं से क्या होगा, नए नए वेव्स चलेंगे, नए नए तरंगाग्र चलेंगे, वेव फ्रंट चलेंगे। ठीक है, तो वेव फ्रंट चलेंगे, तो यहां पे मान लेते हैं हम लोगों ने कल्पना किया कि 20 बिंदु है तो अनंत बहुत सारे हैं, लेकिन समझने के लिए हमने माना ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ए और बी के बीच में 20 बिंदु है, कितने सोर्सेज हैं, 20 स्रोत हैं, यानी इन 20ों स्रोतों से नए नए वेव फ्रंट चलेंगे। अब देखिए ये क्या है, पहला वाला है, ये वाला क्या है, 20वां वाला होगा। ठीक है ना, उसी के साथ साथ ये दूसरा वाला है, ये वाला कौन सा होगा, 19वां वाला होगा, ये तीसरा वाला है, ये वाला क्या होगा, 17वां वाला होगा। ऐसे ही बीच में सभी कुल मिलाकर कितने सोर्सेस हैं, 20 सोर्सेस हैं हमने माना है तो बहुत सारे है, तो लाखों करोड़ों अरबों, लेकिन हमने माने कितने, 20। इस बिंदु पर हमें चेक करना है क्या होगा। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, इसका जूम इन पिक्चर वहां पे हमने बनाया है। ठीक है, उसी को जूम करके हमने बनाया है, चलिए समझते हैं। थोड़ा सा YDSC आपको पता होना चाहिए, YDSC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था संतोषी व्यतिकरण, संतोषी व्यतिकरण यानी ब्राइट स्पॉट, संतोषी व्यतिकरण कब मिलता था, ये सब चीज़ें बेसिक हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, संतोषी व्यतिकरण के लिए अगर पथांतर क्या है, पथांतर क्या है, लैम्डा का है या फिर जीरो का है, 2 लैम्डा का है, 3 लैम्डा का है, डॉट 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 इस प्रकार से, तो हमें क्या मिलता था, ब्राइट स्पॉट मिलता था, ब्राइट फ्रिंजेज मिलते थे। ठीक है, अगर विनाशी व्यतिकरण कब होता था बताइए, विनाशी व्यतिकरण, इन सब चीज़ों का उपयोग है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। विनाशी व्यतिकरण के लिए हमने पढ़ा था लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2,
फाइव लैम्डा बाई टू। अगर इस प्रकार के आपके क्या हैं, पथांतर हैं, ठीक है, ये क्या हैं, पथांतर हैं, तब जाकर के आपको क्या मिलता था, विनाशी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण में क्या होता था, डार्क फ्रिंजेज, यानी दो वेव्स चल रही हैं, दो वेव्स ऐसे चल रही हैं, ठीक है, अगर उनके बीच में लैम्डा बाई टू का पथांतर है, थ्री लैम्डा बाई टू का पथांतर है, फाइव लैम्डा बाई टू का पथांतर है, तो डार्क बनता था। YDSC में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, अगर पथांतर जीरो का है, लैम्डा का है, टू लैम्डा का है, थ्री लैम्डा का है, तो क्या बनता था, संतोषी व्यतिकरण होता था, यानी ब्राइट फ्रिंजेस बनती थी। यानी कि दो वेव्स चल रहे हैं, दोनों वेव्स के बीच में पथांतर अगर इतने का है तो डार्क स्पॉट बनता था, अगर पथांतर इनके बीच का है तो क्या बनता था, ब्राइट स्पॉट बनता था। ये YDSC में हमने देखा था। अब यहाँ पे आते हैं विवर्तन में। वहां पे क्या था, केवल और केवल दो वेव्स थे, उन दोनों वेव्स के बीच का हम लोग पथांतर देखते थे, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे सोर्सेस हैं, इन सभी सोर्सेस से वेव्स निकलेंगी और इन सब के बीच का हमें क्या देखना पड़ेगा, पथांतर देखना पड़ेगा, ठीक है। इस बिंदु के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये पहला है, ठीक है, पहले और बीसवें के बीच में पथांतर कितना होगा, पहले और बीसवें के बीच में पथांतर कितना होगा, जितनी दूरी इसने तय की उतनी ही दूरी इसने भी तय की, यानी कि दोनों वेव्स के बीच का पथांतर यहां पे क्या है, जीरो है। कब, पहले और बीसवें के बीच पथांतर जीरो, यानी कि पहला और बीसवां जीरो पथांतर, यानी क्या बनाएंगे, संतोषी व्यतिकरण को बनाएंगे, यानी पहला और बीसवां मिलकर के यहां पे ब्राइट स्पॉट बनाएंगे, संतोषी व्यतिकरण यानी ब्राइट स्पॉट। पहला और बीसवां पथांतर जीरो, जीरो है तो संतोषी व्यतिकरण होगा, संतोषी व्यतिकरण होगा तो यहां पे क्या बनेगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से चलिए देखते हैं दूसरा और ये 19वां, दूसरे और 19वें के बीच में, दूसरे और 19वें के बीच में बताइए पथांतर कितना होगा, जितनी दूरी इसने तय की उतनी ही दूरी इसने तय की, यानी दोनों के बीच अब भी पथांतर क्या है, जीरो ही है, यानी कि दूसरा और 19वां जो वेव्स हैं वो क्या बनाएंगे, मिलकर के जब इंटरफेरेंस होगा तो क्या बनाएंगे, संतोषी व्यतिकरण, और संतोषी व्यतिकरण मान लें ब्राइट स्पॉट। तो यहाँ पे दूसरा और 19वां भी क्या बनाएगा, ब्राइट स्पॉट बनाएगा। उसी प्रकार से ये तीसरा होगा, ये 18वां होगा, तीसरा और 18वें के बीच पथांतर जीरो होगा, क्योंकि जितना ये दूरी तय करेगा उतना ही ये भी दूरी तय करेगा, तो यहाँ भी पथांतर क्या है, तीसरे और 18वें के बीच में भी पथांतर क्या है, जीरो का है, जीरो का है, यानी कि ब्राइट स्पॉट बनाएगा। जब जब पथांतर जीरो होगा तो क्या बनाएगा, ब्राइट स्पॉट। इसी प्रकार से जितने भी होंगे सभी के बीच क्या होगा, पथांतर जीरो का होगा, और जब पथांतर जीरो का होगा तो वहां क्या बनेगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा, यानी चमकीला स्पॉट बनेगा, ठीक है। तो यहां पे क्यों बन रहा है ब्राइट स्पॉट, समझ रहे हैं, यहां पे सभी एक दूसरे के सापेक्ष, अपने संगत बिंदुओं के सापेक्ष संतोषी व्यतिकरण को प्रदर्शित कर रहे हैं, और पथांतर क्या है, जीरो है, यानी यहां पे क्या बनने वाला है, ब्राइट स्पॉट बनने वाला है। अब बात समझते हैं, यहां पे ब्राइट स्पॉट बना यानी एकदम चमकीला वाला भाग बना। अभी अभी समझे आप, ये जो चमकीला वाला भाग बनता है इससे थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं यहां तक बनेगा, ठीक है, उसके बाद डार्क फ्रिंजेस, फिर ब्राइट फ्रिंजेस, फिर डार्क फ्रिंजेस, फिर ब्राइट फ्रिंजेस, एकांतर क्रम में आपको मिलते हैं। तो नीचे भी यहां तक मान लेते हैं आपको क्या मिला, ब्राइट स्पॉट मिला, यानी इतना जो भाग है वो आपको क्या मिला, सेंटर ब्राइट मान लेते हैं, ये क्या है, सेंटर ब्राइट, यानी इतना सेंटर ब्राइट है। अब इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमें क्या मिल रहा है, पहला डार्क मिल रहा है, और यह इस बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है, वाई दूरी पर है, हमने एज्यूम किया। अब देखिए हमें इतनी दूरी पर तो क्या हुआ, ब्राइट फ्रिंजेस मिले, एकदम चमकीला स्थान मिला, अब इसके ऊपर एकांतर क्रम में डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, नीचे भी वही होगा। तो चलिए इस बिंदु हम लोग किस पे देखते हैं, बिंदु पी पर देखते हैं, ठीक है ना, बिंदु पी पर देखते हैं, अच्छे से चीजों को समझिएगा। ये बिंदु पी है, यहाँ पे ढेर सारे ऐसे कण थे, ठीक है, हमने कल्पना किया कुल कितने कण हैं, 20 कण हैं, कुल कितने कण हैं, 20 कण हैं, ठीक है, इस बिंदु पी पर हमें देखना है। अच्छा समझिए, तो ये पहला कण है,
पहला कण है इस बिंदु P से मिला दिया, ठीक है, ये आपका 20वां कण है, ऐसे मिलाया, ठीक है, यहाँ पे हमने मिला दिया। अब क्या पहले और 20वें के बीच पथांतर जीरो है? क्या दोनों वेव्स पहला वाला और दूसरा वाला समान दूरी तय कर रहे हैं? नहीं, पहला वाला इतनी दूरी तय कर रहा है लेकिन दूसरा वाला उससे ज्यादा दूरी तय कर रहा है। कितनी दूरी ज्यादा तय कर रहा है इस पर हमने ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब डाल दिया, यानी कि इतनी दूरी ये वाला वेव इस वाले वेव से ज्यादा तय कर रहा है। बात समझ रहे हैं? यानी ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है। हम मान लेते हैं ये एंगल क्या है? थीटा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। YDSC आपने पढ़ा होगा तो माना होगा, ये सब चीजें आसानी से कर पा रहे होंगे। ये एंगल हमने क्या माना? थीटा। ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। अब हम मान रहे हैं कि यहाँ पे इनके बीच का पथांतर लैम्डा है। हमने क्या माना कि इनके बीच का जो पथांतर है वह लैम्डा है। अब आप कहेंगे कि जब पथांतर लैम्डा होता है तो यहाँ पे ब्राइट बनता है। देखिए पथांतर क्या है? लैम्डा, तो क्या बना? ब्राइट। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये ब्राइट स्पॉट है और ब्राइट स्पॉट के ऊपर हमें क्या मिलेगा? डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए ये होना चाहिए। तो यहाँ पे भैया डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन वो इंटरफेरेंस में होता था, व्यतिकरण में होता था, वहां पे केवल दो फ्रिंज दो वेव्स थे, उन दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पे ढेर सारे सोर्सेस हैं और इन सभी सोर्सेस से वेव्स निकलेंगी और उन सबका इंटरफेरेंस होगा, व्यतिकरण होगा। तो हमने अभी माना है समझने के लिए यहाँ पर जो पथांतर है वह लैम्डा है, ठीक है, इन दोनों वेव्स के बीच का पथांतर क्या माना है? लैम्डा माना है। और हम मानते हैं कि इस लैम्डा पथांतर पर, इस लैम्डा पथांतर पर यहाँ पर जो मिलेगा वह डार्क फ्रिंजेस मिलेगा। बात समझिएगा, डिफ्रैक्शन में हमने क्या माना कि जब पथांतर लैम्डा है तब यहाँ पे क्या मिल रहा है? डार्क फ्रिंजेस। इसके पहले इंटरफेरेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पथांतर लैम्डा होता था तो ब्राइट स्पॉट मिलता था। अब समझिए कि यहाँ पे पथांतर लैम्डा होने पर डार्क स्पॉट कैसे मिल रहा है, उस चीज को पकड़िए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ढेर सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, ढेर सारे सोर्सेस हैं, 1, 2, 3, 4 बहुत सारे सोर्सेस हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सोर्सेस हैं। हमने केवल कल्पना किया है 20 सोर्सेस हैं, ठीक है ना। अब 20ों को बनाएंगे नहीं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये 20वां होगा, ठीक है, ये 19वां है, ये 18वां है, ये 17वां है, ऐसे ही कुल कितने हैं? 20 हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट पी दिया है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये 20ों है, ठीक है, हमने अलग से बनाया है ताकि समझे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कहा कि ये क्या है? लैम्डा पथांतर है, ठीक है, लैम्डा पथांतर है किसके किसके बीच में? पहले और बीसवें के बीच में पथांतर कितना है? लैम्डा का है। बात समझिएगा, तो पहले और ग्रहवे के बीच का पथांतर कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई टू। अरे 20 एलिमेंट थे तो वहां पे 20 सोर्सेस थे तो पथांतर लैम्डा था। पहले और लास्ट वाले के बीच का कितना था? लैम्डा। तो पहले और आधे वाले के बीच में कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, लैम्डा बाई टू हो जाएगा। तो पहले और ग्रहवे के बीच में पथांतर कितना? लैम्डा बाई टू। दूसरे और बारहवें के बीच में पथांतर कितना? लैम्डा बाई टू। देखिए 10-10 का अंतराल है तो लैम्डा बाई टू आ रहा है। तीसरे और 13वें के बीच का पथांतर कितना? लैम्डा बाई टू। चौथे और 14वें के बीच का पथांतर कितना? लैम्डा बाई टू। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? 10वें और 20वें के बीच का पथांतर कितना? लैम्डा बाई टू, ठीक है। बात समझ रहे हैं, हमने क्या माना है? हमने माना है कि पहले और लास्ट वाले के बीच का जो पथांतर है वह लैम्डा है। तो पहले और 11वें के बीच का यानी 10 के अंतराल पर कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई टू। दूसरे 12वें 10 के अंतराल पर कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई टू। बात समझिएगा, पहले और 11वें मान लेते हैं ये हमारा क्या है? बीच वाला है, ठीक है ना। यहां से 11 नंबर स्टार्ट हो रहा है, हमने माना इसके ऊपर 10 है, इसके नीचे 10 है, ठीक है। तो पहले और 11वें के बीच में पथांतर कितना है? पहले और 11वें के बीच में लैम्डा बाई टू, यानी पहला वेव
और एक ग्रहवा वेव आपस में जब मिलेंगे, इंटरफेरेंस होंगे, तो लैम्डा बाई टू पथांतर दे रहे हैं, लैम्डा बाई टू पथांतर दे रहे हैं, यानी कि डार्क स्पॉट बनाएंगे। बात समझिएगा, हमने पहले और 20वें के बीच लैम्डा माना है, तो पहले और ग्रहवें के बीच कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई टू हो जाएगा। यानी कि पहला और ग्रहवा आपस में जब इंटरफेरेंस कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसा व्यतिकरण हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि विनाशी व्यतिकरण में ही जो पथांतर होता है वह लैम्डा बाई टू होता है। यहाँ पे पथांतर क्या है, पहले ग्रहवें के बीच में पथांतर कितना है, लैम्डा बाई टू है। जब लैम्डा बाई टू है तो विनाशी व्यतिकरण होगा पहले और ग्रहवें के बीच में, विनाशी व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा तो डार्क बनेगा। यानी पहला वाला और ग्रह वाला वाल मिलकर के क्या बना रहे हैं, डार्क बना रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये दूसरा है और ये क्या है, बारहवां है। दूसरे और बारहवें के बीच में पथांतर कितना, लैम्डा बाई टू। पथांतर लैम्डा बाई टू, विनाशी व्यतिकरण तो क्या बनेगा, डार्क स्पॉट। यानी कि दूसरे और बारहवें के बीच में लैम्डा बाई टू है, जब लैम्डा बाई टू है तो क्या बनाएंगे, विनाशी। यानी ये दोनों जब इंटरफेरेंस होंगे, दोनों वेव्स जब आपस में मिलेंगे, तो लैम्डा बाई टू पथांतर दे रहे हैं, यानी विनाशी व्यतिकरण बना रहे हैं, और विनाशी व्यतिकरण में क्या मिलता है, डार्क स्पॉट। ठीक है, तो पहला वाला अपने संगत एलिमेंट के साथ, संगत सोर्स के साथ क्या बनाया, विनाशा। दूसरा वाला भी क्या बनाया, विनाशी। इसी प्रकार से तीसरा वाला तेरहवे के साथ मिलाएगा, चौथा वाला। ठीक है, ऐसे सभी आपस में मिल जाएंगे, सभी मिलकर के क्या बनाएंगे, विनाशी व्यतिकरण को। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। ऐसे जो है आपका चौथा चौदहवे वाले के साथ मिलेगा, ठीक है, लैम्डा बाई टू पथांतर होगा, मिलेंगे, विनाशी व्यतिकरण होगा, डार्क स्पॉट मिलेगा। तो सभी जितने भी एलिमेंट्स है, पहला वाला ग्रहवे के साथ, दूसरा वाला बारहवे के साथ, तीसरा वाला तेरहवे के साथ, चौथा वाला चौदहवे के साथ, इसी प्रकार से दसवां वाला बीसवें के साथ आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, विनाशी व्यतिकरण को बना लेंगे। और सभी विनाशी व्यतिकरण बनाएंगे, यानी सभी इस बिंदु पी पर हमें क्या दे रहे हैं, डार्क फ्रिंजेस दे रहे हैं। सभी क्या दे रहे हैं, डार्क फ्रिंजेस, यानी कोई बचा ही नहीं जो यहाँ पे उजाला कर सके। यानी ये सभी मिलकर के इस बिंदु पी पर क्या दे रहे हैं, डार्क फ्रिंजेज को दे रहे हैं। ठीक है, यानी जब पथांतर, आप समझिएगा, जब पथांतर ये YDSC है, सॉरी, ठीक है, ये डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि पथांतर कितना है, पथांतर कितना है, लैम्डा है, तो हमें क्या मिला, डार्क मिला। पथांतर लैम्डा है तो हमें क्या मिला, डार्क मिला। इसी प्रकार से अगर हम ले लेते हैं पथांतर 2 लैम्डा, पथांतर कितना ले लेते हैं, 2 लैम्डा ले लेते हैं, सपोज करते हैं। अब इसके ऊपर जब चलेंगे तो पथांतर हमने कितना लिया, 2 लैम्डा लिया। पथांतर कितना लिया, 2 लैम्डा। यानी कि पहले और 20वें के बीच में जो पथांतर है, ठीक है, ये पथांतर कितने का है, 2 लैम्डा का है। इसमें ये पहला है, ये क्या है, 20वां है। इसके बीच में ढेर सारे एलिमेंट ऐसे होंगे, ठीक है ना, पहला ऐसे ढेर सारे, ठीक है ना। देखिए, पहले और 20वें के बीच में पथांतर कितना है, लैम्डा है। तो देखिए, पहले और लास्ट वाले के बीच में 20, तो पहले और आधे वाले के बीच में कितना हो जाएगा, इसका आधा, सॉरी, 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा है। ठीक है, पहले और लास्ट वाले के बीच में 2 लैम्डा, तो पहले और आधे के बीच में कितना होगा, लैम्डा हो जाएगा। यानी पहले और 10वें के बीच में कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। अब पहले 10 के बीच में है लैम्डा, तो 5 के बीच में कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। यानी 5 के बीच में क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो यहां पे अगर ये देखिए 1 से 20 करें, 19 का ही अंतराल आ रहा है, तो ऐसे कर दीजिए 0 से, ठीक है ना, जो पहला है जहां से स्टार्ट करें वो भी कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। यानी कि जब 20 का अंतराल है तो 2 लैम्डा पथांतर, ठीक है, 10 का अंतराल है तो लैम्डा पथांतर, 5 का अंतराल है तो लैम्डा बाई 2 पथांतर। ठीक है, तो यहां से पहला हम काउंट कर रहे हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं, 1-2 सोर्स थोड़ी ना है, 20 सोर्स थोड़ी ना है, सभी सोर्सेस से वेव्स निकलेंगी, उन सबका इंटरफेरेंस होगा, वे सब मिलकर के वहां पे क्या देंगी, वेव्स देंगी, ठीक है ना, डार्क फ्रिंजेस देंगी। तो पहले 20वें के बीच में 2 लैम्डा, तो पहले 10वें आधे में हो जाएगा इसका आधा, और आधे करेंगे तो लैम्डा बाई 2। अब बात समझिएगा, देखिए 20 है, इस 20 पहले और 5वें के बीच में, ये मान लेते हैं यहाँ तक 5 एलिमेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कुल कितने एलिमेंट हैं, 5, और इसके बीच में भी 5 है, इसके भी बीच में कितने हैं, 5 है, ठीक है, उसी प्रकार से इसके भी बीच में कितने हैं,
पांच है, ठीक है, फिर इसके भी बीच में कितने हैं, पांच है, टोटल 20 एलिमेंट हो गए, पांच ये पांच ये पांच ये पांच ये, ठीक है ना। अब देखिए पहले और पांचवे के बीच में, पहले और पांचवे, जब पांच का अंतराल है, तो कितने का पथांतर है, लैम्डा बाई टू, पांच का अंतराल है तो कितने का पथांतर होगा, अगर ये दिक्कत हो रही है तो इसको जीरो कर लीजिए, अब ज्यादा समझ में आएगी सब शायद से आपको। जीरो और बीस, यानी जब बीस माइनस जीरो करेंगे यानी कि बीस आएगा, बीस का अंतराल है तो टू लैम्डा पथांतर, ठीक है। दस माइनस जीरो, दस पथांतर है तो लैम्डा, ठीक है। पांच माइनस जीरो यानी कि पांच का जब अंतर है दोनों वेव्स के बीच में, जब पांच का अंतर है तो पथांतर कितना रहा है, लैम्डा बाई टू आ रहा है, ठीक है। तो पहले और छठे के बीच में, बताइए पहले और छठे के बीच में कितना पथांतर, पांच, पांच का अंतर है ना, देखिए छह में से एक घटेगा पांच आएगा, पांच का जब पांच का अंतर आएगा तो कितना आएगा, लैम्डा बाई टू, यानी ये पहला वाला और ये पांचवा वाला, क्या बनाएंगे, लैम्डा बाई टू है, विनाशी व्यतिकरण बनाएंगे, पहला पांचवा क्या बना लिए, विनाशी। इसी प्रकार से ये वाला और ये वाला पांच का अंतर है, ठीक है, पहला और सातवां, सॉरी दूसरा और सातवां कितने का अंतर, पांच का, अरे सात में से दो जाएगा पांच आएगा, पथांतर कितना, जब पांच का अंतर रहेगा तो पथांतर कितना दिया है, लैम्डा बाई टू, यानी कि दूसरा और सातवां, भी क्या बनाएंगे, लैम्डा बाई टू, यानी डार्क फ्रिंजेस विनाशी व्यतिकरण आपस में विनाश कर देंगे, यानी डार्क मिलाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ये तीसरे वाले आठवें वाले के साथ, ये चौथा वाला नौवें वाले के साथ, पांचवा वाला दसवें वाले के साथ क्या बना लेगा, डार्क फ्रिंजेस को। उसी प्रकार से ये वाला, ठीक है, छठवां वाला सॉरी ग्यारहवां वाला सोलहवें वाले के साथ, बारहवा वाला सत्रहवें वाले के साथ, तेरहवा वाला अठारहवें वाले के साथ, चौदहवा वाला उन्नीसवें वाले के साथ और पंद्रहवा वाला बीसवें वाले के साथ आपस में मिलेंगे, पांच पांच के अंतर है ना, और सब मिलकर के क्या बनाएंगे, डार्क फ्रिंजेस बनाएंगे, यानी कि विनाशी व्यतिकरण बनाएंगे, विनाशी व्यतिकरण होगा तो टू लैम्डा पर भी हमें क्या मिलेगा, मिल रहा है, डार्क फ्रिंजेस मिल रहा है, यानी जब लैम्डा पथांतर था तभी डार्क फ्रिंजेस, टू लैम्डा पथांतर था तभी डार्क फ्रिंजेस, थ्री लैम्डा पथांतर है। इसी प्रकार से देखिए अब इसको समझेंगे कैसे, सपोज करें थ्री लैम्डा पथांतर है, ना, तो इसको सबसे पहले लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू पार्ट में भाग बांट दीजिए, ये लैम्डा बाई टू हो जाएगा, सबको जोड़ने पर थ्री लैम्डा आना चाहिए, ठीक है, लैम्डा बाई टू, ठीक है, छह बार, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं 30 एलिमेंट हैं इस बार, ठीक है, 30 एलिमेंट हैं, तो इन 30 एलिमेंट को कितने पार्ट में भागेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, पार्ट में, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, वन टू थ्री फोर, ठीक है, छह ही भाग में बांटिए, एक दो तीन चार पाँच और यहाँ पे क्या हो जाएगा, छः, ठीक है, छः पार्ट में हमने बांट दिया, ठीक। तो पहले वाला ये वाला जो होगा, इसके सभी एलिमेंट, के साथ क्या होंगे, इंटरफेरेंस करके लैम्डा बाई टू इंटरफेरेंस होगा, विनाशी बनाएंगे। ये वाले इसके सभी संगत एलिमेंट्स के साथ विनाशी व्यतिकरण करके डार्क फ्रिंजेस बनाएंगे। ये वाले इसके वाले सभी के साथ मिल करके क्या बनाएंगे, डार्क फ्रिंजेस बनाएंगे। यानी कि जब पथांतर लैम्डा हो, टू लैम्डा हो, थ्री लैम्डा हो, फोर लैम्डा हो, फाइव लैम्डा हो, तो क्या बनाएंगे, विनाशी व्यतिकरण को बनाएंगे, यानी डार्क फ्रिंजेस बनाएंगे, निम्निष्ट बनाएंगे, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। यानी कि निम्निष्ट क्या होगा, डार्क फ्रिंजेस कब बनेगा, ठीक है, मिनिमा कब होगा, मिनिमा होगा यदि, देखिए ये ए साइन थीटा, का मान अगर क्या हो जाए, लैम्डा हो जाए, तब क्या होगा, मिनिमा, मतलब निम्निष्ट, मिनिमा मतलब क्या है, निम्निष्ट। अगर टू लैम्डा हो जाए तब भी हमने देखा डार्क ही बनेगा, इसी प्रकार से थ्री लैम्डा, फोर लैम्डा, फाइव लैम्डा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यानी ए साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाए अगर यन लैम्डा, जहां यन बराबर क्या है, एक दो तीन चार, ठीक है, तो ए साइन थीटा बराबर अगर एन लैम्डा आ जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, निम्निष्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो निम्निष्ट की स्थिति क्या है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक। अब बात करते हैं उच्चिष्ट की, या जिसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट, क्या होता है,
द्वितीयक उच्छिष्ट क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट जो बना है उसके अलावा जो हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक उच्छिष्ट, सेकेंडरी उच्छिष्ट यानी कि मैक्सिमा। मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होता है, ये आपका सेंट्रल ब्राइट था, इस सेंट्रल ब्राइट के अलावा ऊपर या फिर नीचे जहां कहीं भी आपको ब्राइट फ्रिंजेज मिल रहे हैं, ब्राइट दीप्त फ्रिंजेज मिल रहे हैं, चमकीला स्थान मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक उच्छिष्ट। द्वितीयक उच्छिष्ट कब मिलेगा वो समझते हैं, अगर पथांतर कितना हो जाए, अगर पथांतर कितना हो जाए, अब देखिए ये हमें कितने पे मिला, ये हमें जो मिला वो कितने पे मिला, लैम्डा पे मिला है। अरे ये पहला वाला डार्क फ्रिंजेज हमें किस पे मिला, लैम्डा पे मिले, तो इसके ऊपर ही हमें मिलेगा द्वितीयक वाला, तो लैम्डा बाई टू पे आप मत कहिएगा, ऐसा मत कहिएगा कि लैम्डा बाई टू पे हमें क्या मिल रहा है, द्वितीयक उच्छिष्ट, क्योंकि इसके नीचे तो हमें मिलने वाला नहीं है, जब भी मिलेगा लैम्डा के ऊपर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, अगर पथांतर 3λ/2 हो जाए, कितना हो जाए, 3λ/2 हो जाए, तो बात समझिएगा 3λ/2 को हमेशा λ/2 के पार्ट में ही भाग बांटना है, λ/2 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 तीन बार हो गए। एलिमेंट हमारे पास कितने थे, एलिमेंट हमारे पास कितने थे, 20 थे, एलिमेंट कितने थे, 20 थे, कितने पार्ट में भागना है, तीन, ठीक है, तो यहां पे तीन ऐसे पार्ट में मिल गए, ठीक है। पहले और 20वें के बीच में हमें क्या करना है, देखिए अब इसके इनके इनके बीच में पथांतर कितने का हो रहा है, λ/2 λ/2, अरे टोटल पथांतर था 3λ/2, इसको हम जितने भी एलिमेंट थे सबको तीन बराबर भागों में बांट दिया, यानी इसके बीच का पथांतर λ/2, इसके इसके सबके बीच का पथांतर क्या होगा, λ/2, ठीक है ना। अब समझिएगा ये और ये इनके बीच का पथांतर कितना है, λ/2, ये और ये इनके बीच का पथांतर कितना होगा, λ/2, ये और ये इनके बीच का पथांतर कितना होगा, λ/2, ये और ये इनके बीच का पथांतर कितना होगा, λ/2, ये और ये इनके बीच का पथांतर कितना होगा, λ/2, यानी कि ये सभी λ/2 पथांतर दे करके, λ/2 जब पथांतर होता था तो हमने देखा था क्या बन रहा था, इंटरफेरेंस कैसा हो रहा था, विनाशी, यानी दोनों आपस में मिल करके विनाश हो जा रहे थे, नष्ट हो जा रहे थे, ठीक है, डार्क वहां पे बना रहे थे, यानी ये दोनों तो आपस में मिलकर के डार्क बना लिए, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लिए, डार्क बना लिए, अभी इनको विनाश करने वाला कोई नहीं है, इनका विनाशी व्यतिकरण, ये किसके साथ इंटरफेरेंस करेंगे, कोई है ही नहीं है, ये किसी के साथ इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे, यानी इतने एलिमेंट बच गए जो वहां पे पहुंचेंगे इस बिंदु पी पर, कोई भी बिंदु होगा जैसे यहां पे बनेगा, ठीक है ना, अब फर्स्ट ब्राइट यहां पे बनेगा, ठीक है, तो ये इतने बिंदु यहां पे पहुंच करके क्या करेंगे, ब्राइट फहराएंगे, चमकीला स्थान देंगे, बात समझ रहे ही नहीं, इतने पहुंच करके वहां पे क्या करेंगे, ब्राइट स्पॉट देंगे, जैसे ये वाला इसको कैंसिल कर दिया, ये वाला इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन एक बचा है ना, ये क्या है, ये जो बीप्स बचे हुए ये यहां पे पहुंच करके क्या करेंगे, ब्राइट देंगे, ठीक है। अगर इसी प्रकार से क्या हो जाए, 5λ/2 हो जाए, तो इसको λ/2 पार्ट में बांट दीजिए, कितने पार्ट होंगे, 5 पार्ट होंगे, ठीक है, 5 पार्ट होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, इनके बीच का पथांतर λ/2, फिर इनके इनके बीच का पथांतर λ/2, अरे ये जैसे कि आप समझिए, ठीक है, अगर 20 एलिमेंट थे तो 20 को हमने लगभग मान लेते 21 थे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इधर 7, इधर 7, इधर 7, तो पहले और सातवें के बीच में कितना था, λ/2, फिर दूसरे आठवें के बीच में λ/2, ठीक है, ऐसे सातवें और चौदहवें के बीच में कितना हो गया, λ/2, इधर नीचे कितने हुए, 7 बच गए, नीचे जब 7 बच गए तो ये वहां पे क्या गए, ब्राइट पहुंचाए। अब 21 है कितने, अगर पथांतर कितना हो जाए दोनों वेव्स के बीच में, पहले और लास्ट वाले के बीच में पथांतर कितना हो जाए, 5λ/2, तब समझिए क्या होगा, 5λ/2 हो जाएगा, तब क्या होगा बताइए, यहाँ पे पहले और दूसरे वाले के बीच में पथांतर कितना है, 5λ/2, तो कितने भागों में बांटना है, 5, तो पहला दूसरा, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ पे कुल कितने एलिमेंट हैं, 21, 21 एलिमेंट को 5 बराबर भागों में बांटेंगे, मान लेते 20 ही है, ठीक है, ताकि बराबर बराबर आ जाए ना, तो 5 का भाग देंगे 4, यानी कि प्रत्येक में 4 आएंगे, ठीक है, प्रत्येक में कितना आएंगे, 4 आएंगे, प्रत्येक में 4 आएंगे, समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे
इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में पथांतर कितना होगा? अरे पहले इनके बीच में पथांतर, इन सब के बीच में पथांतर कितना है? लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, है ना, पांच बराबर भागों में बांटे थे। टोटल के बीच में पहले लास्ट के बीच में पथांतर 5 लैम्डा बाई 2, तो पांच बराबर भाग में बांट दिया, तो इन सब के बीच में पथांतर कितना? लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू। इसके इसके बीच में पथांतर कितना? लैम्डा बाई टू। दोनों क्या होंगे? विनाशी बेसगण बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके इसके बीच में पथांतर कितना? लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू। पांच का अंतराल रहेगा तो लैम्डा बाई टू ही पथांतर होगा ना यहाँ से, ठीक। तो देखिए सॉरी, चार का पांच बराबर भागों में बांटे हैं तो 20/2 कितना हो जाएगा? पांच, यानी चार। चार का अंतराल रहेगा तो लैम्डा बाई टू आएगा। तो चार के अंतराल पे ये सब क्या दे रहे हैं? विनाशी बेधकर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये इससे विनाशी हो जाएगा, ये इससे विनाशी हो जाएगा, फिर ये वाला इससे विनाशी, ये वाला इससे विनाशी, ये वाला इससे विनाशी, ये वाला इससे विनाशी। अभी इतने एलिमेंट बचे हुए, अब इसके नीचे वाला पार्ट तो कहीं है ही नहीं है ना, वो किससे विनाशी होगा आप बताइए। यानी यहाँ पे चार एलिमेंट बच गए, चार एलिमेंट बच गए। अब ये चार वहां पर जाकर के ब्राइट देंगे, जब पथांतर 5 लैम्डा बाई 2 होगा तो यही चार होंगे जो वहां पर जाकर क्या क्या देंगे? ब्राइट स्पॉट बनाएंगे। इसके पहले सात एलिमेंट पहुंच करके ब्राइट दे रहे थे, अभी क्या हुए? अभी जब पथांतर 5 लैम्डा बाई 2 हुआ, बड़ा पथांतर, तो केवल चार ही पहुंच रहे हैं। यानी कि यहां पे जब सात एलिमेंट पहुंचे तो ज्यादा ब्राइट रहा होगा, ज्यादा चमकीला रहा होगा, कि नहीं बताइए। और जब चार ही पहुंचे तो इसकी अपेक्षा में, पहले वाले की अपेक्षा में क्या होगा? कम चमकीला रहा होगा, कम चमकीला रहा होगा, ठीक है ना, कम चमकीला। वहां पे ये वाला क्या है? ज्यादा चमकीला रहा होगा। यानी कि जैसे जैसे पथांतर बढ़ रहा है, चमकीला होना भी क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। यानी कि जब पथांतर द्वितीय उच्छिष्ट के लिए क्या है, द्वितीय उच्छिष्ट के लिए क्या है वो समझ लेते हैं। चीजें बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना है इसको। जब पथांतर, यानी पथांतर क्या है? ए साइन थीटा है। पथांतर कितना था? 3 लैम्डा बाई 2। फिर क्या है? 5 लैम्डा बाई 2। इसी प्रकार से फिर 7 लैम्डा बाई, फिर 9 लैम्डा बाई 2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। यानी कि जब ए साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं वो देखिए, एन प्लस 1/2, ठीक है, लैम्डा। जहां जहां एन बराबर कहां से लेना है? 1, 2, 3 से लेना है। अगर ये पथांतर आता है, ये पथांतर आता है, तो हमें द्वितीय उच्छिष्ट मिलेगा। या फिर आप यहाँ पे द्वितीय उच्छिष्ट से दिक्कत हो रही है तो आप लिखिए ना यहाँ पे क्या है, ब्राइट फ्रिंजेज, ब्राइट फ्रिंजेज, ब्राइट फ्रिंजेस, यानी कि चमकीला बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा हमें? डार्क फ्रिंजेज। ये अगर इतना पथांतर है तो अंधेरा होगा, अगर इतना पथांतर है तो ब्राइट। जस्ट वाई डी एस सी के उल्टा है, बस वाई डी एस सी में हम माइनस होता था, लेकिन यहां माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी अब द्वितीय उच्छिष्ट बनेगा, इसके ऊपर बनेगा, इतना तो हमें क्या है, लैम्डा दे दिया है ना। जब पथांतर लैम्डा हो जा रहा था तब हमें क्या मिला था? डार्क फ्रिंजेस। अब उसके ऊपर ही हमें क्या मिलेगा? ब्राइट फ्रिंजेस। तो द्वितीय उच्छिष्ट हमेशा क्या होगा? 3 लैम्डा बाई 2 से स्टार्ट होगा। तो ये पूरा है इंपॉर्टेंट चीज, समझने वाला चीज, ठीक है। फील आए, ऐसा समझिए कि फील आ जाए। चीजें आसान से हमने समझाने का आपको प्रयास किया है, आई थिंक आप चीजों को समझ भी पाए होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जा करके अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।